हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना काम कर रहे हो। मेरा नाम दशरथ और मैं आज आपको जैसे कि छोटा मोटा ब्लॉग वीडियो बनाता रहता हूं, तो आज स्पेशली आप लोग को जसपुर का एक सुंदर सा लोकेशन में लेकर चलता हूं, जहां पर मुझे लगता है कि आप लोग को बहुत ही सुंदर लोकेशन देखने को मिलेगा। तो फिलहाल वही लेकर चलता हूं दोस्तों, और आप लोग को रास्ते में बताऊंगा जानकारी जो भी देना है कि कहां पर लेकर जा रहा हूं, और आप लोग को ड्रोन शूट भी करके दिखाऊंगा कि कितना खूबसूरत सीन देखने को मिलेगा। तो फिलहाल मैं वही चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि रास्ता में डिटेल दूंगा, तो फिर आप लोग ब्लॉग देखते रहिए। अभी दोस्तों हम लोग हैं दमेरा में, और मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ दमेरा, क्योंकि आज दमेरा में मुझे लगा कुछ स्पेशल आपको दिखाऊं, तो मैं आज आपको दमेरा घाट दिखाने वाला हूँ और ड्रोन शूट भी करने वाला हूँ। तो आप लोग को बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि ऐसे वीडियो तो मैं आप लोग के लिए छोटा मोटा बनाते रहता हूँ, लेकिन ये कुछ स्पेशल वीडियो है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोग के छुआ लोग देखिए, छुआ लोग हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं। ये लोग हैं दमेरा के निवासी लोग, और इधर बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है दोस्तों। अगर आप लोग यहाँ पर आइएगा तो मुझे लगता है कि यही पर रहने और बसने का मन कर जाएगा, लेकिन मैं ये सारा सीन को दिखाते हुए आप लोग को बढ़ रहा हूँ और आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँ कि हमारा जसपुर ज़िला कितना खूबसूरत है, क्योंकि हमारे जसपुर ज़िला की सुंदरता को तो मैं आप लोग को ड्रोन की मदद से या फिर कैमरा की मदद से दिखाते रहता हूँ, लेकिन कभी कभी अपने ही साथ में निकलता हूँ और लगता है कि ये सीन को कैप्चर करना चाहिए, और मैं वैसे ही सीन को कैप्चर कर रहा हूँ, क्योंकि जो सीन देखने को मिल रहा है ना मुझे, बहुत ही ऑसम वाला सीन है। ऐसा सीन को देखने तो हम लोग हर रोज़ तरसते हैं कि हम लोग को ऐसे सीन देखने को मिलता हर रोज़, और हम लोग का घर भी यही अगल बगल होता है, ऐसे लगता है, लेकिन ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं होता है। हमारा घर जहाँ भी वहीं पर हम सुरक्षित हैं, ऐसे लगता है, क्योंकि यहाँ पर के लोग जो होते हैं, मुझे लगता है यहाँ पर के लोगों को ठंडा बहुत ज़्यादा लगता होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा है, और ठंड के समय में इतना ज़्यादा ठंड लगता होगा मुझे लगता है कि लगभग उठते होंगे 8 बजे समथिंग, क्योंकि ठंडा इतना ज़्यादा है कि वही समय उठना हो जाता है। तो फिलहाल मैं आप लोग को दमेरा घाटी पहुँचता हूँ और दमेरा घाटी का ड्रोन शूट करके दिखाता हूँ कि कितना खूबसूरत नज़ारा है वहाँ का। तो फिलहाल मेरे वीडियो में आप देखते रहिए दोस्तों। फाइनली ऐसे लोकेशन में पहुँच चुका हूँ जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत का नज़ारा देखने को मिला और आप लोग दिखाने का मन कर गया, तो मैं फिलहाल दिखाता हूँ आप लोग को ऐसी खूबसूरती को। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ये जटंगी का फूल जो हमें दमेरा रोड में देखने को मिला, बहुत खूबसूरत सा लग रहा है ये। और ये देखिए बहुत 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 सारा खूबसूरत सा जटंगी का खेती किया गया है यहाँ पे। तो अभी मैं फिलहाल आगे बढ़ता हूँ, फिर आगे दिखाता हूँ। फिलहाल दोस्तों मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ दमेरा, और अब ये जो मेरे सामने दिख रहे हैं ये मुझे लगता है दमेरा के निवासी हैं, और इन लोगों को देखते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बट्टा ही खाना ऐसे छुटा हुआ है। और ये गांव को गुजरते हुए मुझे लगता है कि दमेरा पहुँचा जाता है, और मैं आप लोग को भी दमेरा को दिखाऊंगा, क्योंकि दमेरा को तो हर कोई देखा होगा और हर कोई जानता भी है कि दमेरा कहाँ पे है करके, लेकिन जो नहीं जान रहे होंगे उनके लिए स्पेशल मुझे लगता है इस वीडियो को बना रहा हूँ, और जो जानते हैं उसके लिए भी है, क्योंकि मैं ड्रोन शूट भी करके दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर का जो सीन है ना वो कैसे दिख रहा होगा आप लोग को नहीं मेरे को, और मेरे को मैं जब देख लूँगा तो आप लोग को भी दिखाऊँगा उसी सीन को एडिट करके, अपना वीडियो में एडिट करूँगा और आप लोग को उसी के माध्यम से दिखाऊँगा कि दमेरा घाटी कितना खूबसूरत घाटी है, और यहाँ पर का जो खूबसूरती है उसको हम लोग जुबान से बखान नहीं कर सकते, उसी हिसाब से मतलब कि यहाँ पर का जो सीन है उसको मैं कैप्चर करने आया हूँ अपने कैमरा और अपने ड्रोन की मदद से। तो फिलहाल बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए कितना खूबसूरत है दमेरा घाटी। फाइनल दोस्तों बहुत खूबसूरत नज़ारा के साथ मैं पहुँच चुका हूँ दमेरा, और ये देखिए मेरे सामने लिखा दमेरा, और मेरे सामने में है दमेरा घाटी, दमेरा मंदिर, और सारा कुछ वाटरफॉल भी है, मुझे ऐसा लगता है छोटा सा, बहुत बड़ा तो वाटरफॉल नहीं है ऐसे लगता है मुझे, लेकिन जितना बड़ा भी है जो भी है जैसे भी है वो सारा चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे मेरे वीडियो में, और बने रहिए मेरे वीडियो में और देखते रहिए।
अभी हम दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूँ दमेरा घाट का दमेरा मंदिर, और मैं आप लोग को मंदिर को दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये है मंदिर, और यहाँ पर देखिए मुझे लगता है शिव जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर ना, मुझे लगता है शिव जी का मंदिर है दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर लिखा हुआ देखिए जय श्री राम संकट मोचन श्री हनुमान जी, ऐसे लिखा हुआ है। और कौन सा मंदिर है मुझे तो नहीं पता है, लेकिन आप लोग को दिखाता हूँ और बताता भी हूँ, क्योंकि कौन सा मंदिर है पता नहीं चल रहा। भगवान जी की फिलहाल मैं यहाँ पर से, और इधर भी एक मंदिर है यहाँ पर है दोस्तों देखिए शिव जी का मंदिर। और मैं आप बस का सीन को तो आप लोग को ड्रोन की मदद से दिखा पाऊंगा, क्योंकि वही से हम लोग खूबसूरती को देख पाएंगे कि आप बस का खूबसूरत नज़ारा कैसे दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर का जो सीन है वो सीन को आपको दिखा दे रहा हूँ, वो जो बना चबूतरा टाइप से, वहाँ पर यहाँ पर जो भी आते हैं टूरिस्ट या फिर जो भी नगरवासी आते हैं वो वहाँ पर पिकनिक वगैरह सेलिब्रेट करते हैं। और वैसे ही बना हुआ है दो चार जगह, यहाँ पर एक और दो तीन चार पांच जगह बना हुआ है वैसे ही चबूतरा, और उसमें स्पेशली नगरवासी आते हैं और पिकनिक वगैरह सेलिब्रेट करते हैं और जाते हैं। तो मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ का नज़ारा। तो फिलहाल आपको दिखाता हूँ ड्रोन शूट, और ड्रोन की मदद से दिखाता हूँ कैसा लग रहा है ड्रोन से आप लोग को दिखाता हूँ कि यहाँ पर का फोटो कैसा आ रहा होगा। फिलहाल बने रहिए मेरे ब्लॉग देख रही। फिलहाल दोस्तों मैं दमेरा मंदिर में ड्रोन शूट किया, मुझे काफ़ी मज़ा आया। और फिलहाल यहाँ पर दो बच्चे आए हुए थे, लोग का नाम क्या है और क्या करते हैं पूछता हूँ। तो फिलहाल नाम बता दो भाई, ये छोरा डर गया देखिए, नाम बता दो, नाम बता दो, रुक जा पास बता। अनंत राम, रितेश मुंडा। क्या करते हैं? इसको जाते हैं। ड्रोन शूट किया देखे ड्रोन को? नहीं। ड्रोन उड़ा रहे देखे? नहीं नहीं देखे। मेरा कैमरा फोटो खींच रहे, कैसा लगा? अच्छा मुझे लगा। तुम फोटो खींचे कैसा लगा? अच्छा लगा। पहले फोटो खींचे थे? आज फोटो खींचे अच्छा लगा ना?
बहुत मजा आया ना, लेकिन आज देखते हैं। अच्छा अच्छा थैंक यू भाई। तो फिलहाल दोस्तों मुझे लगता है यहाँ पर का लगभग शूटिंग कंप्लीट कर चुका हूँ। आशा करता हूँ मेरा वाला वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।